सदन तो 12 बजे शुरू होता है, क्या आप बोलते हैं? सदन माननीय सदस्य 11:45 तक सदन स्थगित की जाती है, तब तक दलीय नेता के साथ हम लोग बैठेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। भारी हंगामे के बीच आज एक बार फिर से सदन को स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि आरजेडी और बीजेपी की तरफ से लगातार लखीसराय वाले मामले पर अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की जा रही थी, कार्रवाई करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यही वजह है कि सदन के शुरू होते ही बवाल सदन में देखा गया और आरजेडी के साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी सरकार पर सवाल उठाए गए। बता दें कि ये पूरा हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि स्पीकर विजय सिन्हा के शांत कराने के बावजूद विपक्ष चुप बैठने वालों में से कहा था, जिसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने सदन को ही स्थगित कर दिया। यानी कि इस भारी बवाल के बीच आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई रुक गई और इस हंगामे को देखते हुए सदन को स्थगित करने का फैसला स्पीकर विजय सिन्हा की तरफ से लिया गया। क्या कुछ तस्वीरें सदन से देखने को मिल रही है और किस तरह से हंगामे के बीच सदन को एक बार फिर से स्थगित किया गया है, छोड़ जाते हैं आपको उस पूरे वीडियो के साथ। विधायिका पर इस प्रकार का प्रहार करना कार्यपालिका का यह धर्म नहीं होता है। इसलिए माननीय संसदीय मंत्री को बुलाकर इस विषय पर बहस करा लिया जाए, इस पर उनसे जवाब ले लिया जाएगा, अन्यथा सदन बाध्य हो रहा। माननीय सदस्यगण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री जी आते हैं, जवाब देंगे, तब तक सदन चलने दिया जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, आप सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए जाए। माननीय सदस्यगण, अच्छा एक मिनट सुन ले, आसन की माननीय सदस्यगण, विधायिका को कोई भी कमजोर नहीं कर सकता है। पक्ष प्रतिपक्ष खड़ा है, सरकार विधायिका के सामने कमजोर स्थिति में नहीं रहेगा। 1 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रखे हैं, उसमें सभी दलीय नेता भी रहेंगे। देखिए, आसन और न्यायालय के दिए हुए नियमन को सरकार पालन करती है और सरकार सजग है पालन करने के लिए। संसदीय कार्य मंत्री जी उस सदन में है, आ जाएंगे, उनका क्वेश्चन है। लेकिन सदन तो 12 बजे शुरू होता है, क्या आप बोलते हैं? सदन, माननीय सदस्य, 11:45 तक सदन स्थगित की जाती है, तब तक दलीय नेता के साथ हम लोग बैठेंगे।